हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड यू आर स्टेइंग सेफ, यू आर स्टेइंग हेल्दी. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक यमी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में प्रिपेयर हो जाती है. बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ डू, इट विल मीन अ लॉट टू मी इफ़ यू विल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे. हमें चाहिए दही या कर्ड, हमें चाहिए चॉप्ड अनियन, मैंने एक छोटा अनियन लिया है, हमें चाहिए ग्रेटेड पोटैटो, ये रॉ पोटैटो है, कच्चा है ये पोटैटो, इट्स नॉट कुक्ड. थोड़ा सा कोरिएंडर चाहिए मुझे, और फिर मैंने लिया है एक छोटा टमेटो चॉप्ड, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज एज़ पर योर टेस्ट, आपको जितना स्पाइसी पसंद है. हमने लिया है सूजी और थोड़ा सा बेसन. अगर आप इसमें चाहो आप इसमें पीस भी डाल सकते हो, कैप्सिकम भी डाल सकते हो, कैरेट्स भी डाल सकते हो, एज़ पर योर विश, जो भी आपका वेजिटेबल्स डालने का मन करे. उसके बाद मैंने एक बोल लिया है ताकि मैं सब कुछ एक साथ मिक्स कर लूँ. सबसे पहले मैंने बोल में डाला है ग्रेटेड पोटैटोस. तो आप एक नॉर्मल ग्रेटर लेके पोटैटोस को ग्रेट कर लो, पानी आप उसका निकाल लेना. उसके बाद मैंने इसमें डाला है अनियंस, टमेटोज, ग्रीन चिलीज, सब कुछ डाल लेंगे एक बोल में. उसके बाद जो रिमेनिंग कोरिएंडर है हमारा, धनिया, वो भी हम डाल लेंगे इसमें. तो आपको अगर और एडिशनल वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं तो आप डेफिनेटली वो भी यूज़ कर सकते हो. मेरा अभी सिर्फ ये यूज़ करने का मन था तो दिस इज़ ऑल आई एम यूजिंग. उसके बाद सब कुछ अच्छे से आप स्टर कर लो, अच्छे से मिक्स कर लो एक साथ. तो गाइस ये बहुत टेस्टी बनता है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई करना. उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सूजी. अब सूजी डालने से ही थोड़ा सा टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा. तो मैं ऑलमोस्ट 6 स्पून्स, दिस इज़ लाइक टेबल स्पून, 6 टेबल स्पून्स ऑफ सूजी लूँगी और वो मैं इसमें डालूँगी. सूजी इस पर ताकि थोड़ा क्रिस्पी हो, बाइंड हो जाए, और बेसन से भी अच्छे से बाइंड हो जाएगा आपका. ये बेसन में डालूँगी 3.5 टेबल स्पून्स. तो सूजी और बेसन दोनों आप डाल लो इसमें. उसके बाद मैं डालूंगी दही. सो दही इज़ ऑलमोस्ट 6 टेबल स्पून्स ऑफ दही. दही से अच्छा सॉफ्ट बनता है अंदर से, सो डेफिनेटली ऐड दही. सो इसमें सब कुछ हेल्दी ही पड़ा है, इट्स वेरी टेस्टी, हेल्दी. इफ़ यू हैव इट इन द मॉर्निंग देन इट्स रियली गुड, वेरी इजी टू मेक, बहुत जल्दी भी बन जाता है. उसके बाद सॉल्ट स्वाद अनुसार. उसके बाद मैं इसमें ऑलमोस्ट 3 कप ऑफ वाटर मैंने डाला है, इसको मिक्स करूँगी मैं अच्छे से. तो इसको हमें बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं करना है, बहुत थिक नहीं करना है. तो आप दिस इज़ द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी जो हमको इसकी चाहिए. सो मेक श्योर आप बहुत वाटरी ना करो इसको. तो उसके बाद मैंने एक फ्लैट पैन लिया है. दिस इज़ नॉन स्टिक, ये नॉन स्टिक है पैन. अगर नॉन स्टिक नहीं है आपके पास दूसरा भी चलेगा, बट आई प्रेफर नॉन स्टिक फॉर ऑल दिस. उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नॉर्मल रिफाइंड ऑयल. आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बटर भी यूज़ कर सकते हो, घी भी यूज़ कर सकते हो, घी में बहुत टेस्टी लगता है ये. उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा लेके डालूंगी. उसके बाद आप इसको डालो एंड देन स्प्रेड इट. अब मैंने ऑयल बहुत गर्म नहीं किया था, नॉर्मल है, ऑयल बहुत गर्म नहीं है. तो आप इसको डालो एंड देन उसको अच्छे से आप स्प्रेड कर लो इवनली, मतलब कहीं मोटा कहीं पतला ऐसे नहीं होना चाहिए, आप उसको इवनली पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लो. तो मैं नॉर्मल एक स्पून से उसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ एंड देन जस्ट लेट इट कुक फॉर सम टाइम. धीरे धीरे ना ये साइड से ब्राउन होने लग जाएगा और सेंटर से ये कुक हो जाएगा. आपको फील होगा कि ये बीच से थोड़ा सा गीला नहीं है, ये कुक हो रहा है. तो जब ये साइड से, यू कैन सी, ये साइड से कुक हो गया है, ब्राउन हो गया है और सेंटर से भी कुक हो गया है, सो दैट्स द टाइम जब आप इसको पलट सकते हो. ऑल्सो आप नीचे चेक करके भी देख सकते हो कि कुक हुआ है कि नहीं. तो आप इसको पलट लो. इट लुक्स रियली यम्मी, वेरी क्रिस्पी, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है जैसे आलू टिक्की बन रही हो, बहुत यम्मी लगता है मॉर्निंग में. तो इट टेस्ट यम्मी, रियली गुड. अगर आपको आलू पसंद है लाइक मी, आई एम अ बिग आलू फैन, तो यू विल डेफिनेटली लव इट, आई एम रियली श्योर. सो गाइस दिस इज कुक्ड, आप ऐसे ही बाकी सारे भी बना लो एंड आई एम श्योर दे विल टर्न आउट रियली गुड, रियली यम्मी, वेरी इजी टू मेक. इवन इफ यू आर अ बिगिनर, बहुत इजीली इसको बना लोगे. यू कैन सर्व इट विद ग्रीन चटनी और विद टोमेटो केचप. आई लाइक टू हैव इट विद बोथ. इट्स वेरी इजी टू मेक, ऑल्सो वेरी यम्मी. सो डेफिनेटली डू गिव दिस रेसिपी अ ट्राई.
बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाती है। तो मॉर्निंग में वैसे भी मन नहीं करता आपको बहुत मेहनत करने का, सो डेफिनेटली दिस वन इज़ अ लाइफ सेवर, इट्स वेरी यमी, वेरी गुड। सो इफ़ यू लाइक द रेसिपी प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच रेसिपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।